अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ। तो वेलकम बैक हो गया जी आप सबका हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अभी जो है ना सुबह का टाइम है, हम लोग फार्म पे आ चुके हैं और अब मौसम आपके सामने है, बारिश वगैरह हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले तेज़ हो रही थी, वही देख के मैं आया था क्योंकि चिक्स जो है ना वो लोहे वाले केज में पड़े थे। मैंने कहा शायद वो जो है ना उनके ऊपर पानी वगैरह जा रहा होगा, लेकिन वो जो है ना आगे उसके कपड़ा है और वो नहीं जा रहा, अच्छी बात है। बाकी अभी आ गए हैं तो इनको जो है ना फीड और पानी भी डालते जाते हैं और बाकी अभी सारे एक्टिव हैं, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ क्योंकि रात को तकरीबन सहरी टाइम भी बारिश हुई थी और उस टाइम भी मैं आया था, लेकिन उस टाइम भी इतना सारा जो है ना फिट फाट ही थे। बाकी अभी इनकी डर है इनको ना कि इनको शायद सर्दी लग जाए, तो इनको जो है ना कल आज बारिश हो रही है, आज तो अभी हो रही है, दवाई वगैरह अभी नहीं ला सकते, तो कल इंशाल्लाह ले आएंगे दवाई और इनको जो है ना एंटीबायोटिक डालेंगे। केयर अभी इन सारों को फीड और पानी डाल दिया है और छोटे चिक को भी ना हमने अंदर ब्रूडर के अंदर ही फीड भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया उनको, अभी बाहर नहीं निकाला। दोपहर को देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत मौसम सेट हुआ तो उनको दोपहर को आके थोड़ी देर बाहर निकाल देंगे, लेकिन अभी जो है ना उनको वो अंदर ही ठीक है, अंदर ही बंद रहेंगे। बाकी अभी चलते हैं घर और इंशाल्लाह अब जो है ना शाम को आएंगे और बल्कि दोपहर को आएंगे, दोपहर को देखेंगे। और अभी ये पिजन भी खुले फिरते रहेंगे। बाकी यार अभी जो है ना दोपहर का टाइम है, हम लोग फार्म पे आ चुके हैं, फार्म पे आए थे यहाँ पे पानी वगैरह लगाने के लिए, जो कि तकरीबन सारा लगा चुके हैं। और अभी ना मैंने आके देखा है आज, क्योंकि इनका दिन पूरे हो गए थे इसके, और आज जो है ना माशाल्लाह से चिक हैच इसने करना शुरू कर दिए हैं। अभी देखते हैं कि कितने हैच हो चुके हैं और कितने रहते हैं। माशाल्लाह से दो तो ये सामने पड़े हैं, बाकी तीन हो गए और बाकी अभी देखते हैं बाकी निकल रहे होंगे या निकलने वाले होंगे। लाइक ये देखें, ये जो है ना हैच हो रहा है, पिपिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और इसकी भी तकरीबन फील हो रहा है पिपिंग। ये देखें इसकी भी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से पिपिंग होना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह तकरीबन निकल रहे होंगे, एक बार इसको उठा के और देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक दो तीन चार पाँच निकल आए हैं और ये सर निकाला हुआ, और इसने ना मुर्गी ने अंडा तोड़ दिया है, इसको हमें जो है ना निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो है ना फंसा हुआ है, तो इसको ना हम अभी पकड़ के निकाल देते हैं। और एक और भी है इसके अलावा, ये जो है ना ये वाला है जिसको अभी हमने निकाला है, अभी एक और भी है। ये रहा, ये देखें, ये भी इसने जो है ना ऐसे ही तोड़ा हुआ है, ये तो है भी शायद ख़राब या शायद एक्सपायर्ड है, इसको मैं देखता हूँ खोल के। इसको ना मैंने यहाँ से ये देखें थोड़ा सा खोला है, इसके अंदर ब्लड है, इसको भी हम ना छोड़ देते हैं और इसके पास ही रहने देते हैं, देखेंगे। मेरा मुश्किल है कि ये निकले, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं, हो सकता है इसमें से ना निकल है। बाकी अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते और जो है ना इसको बाकी के इनक्यूबेट करने देते हैं, ताकि जो है ना ये बाकी सारे चिक्स भी जल्दी से जल्दी निकाल लें। बाकी यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया, हम लोग फार्म पे आ चुके हैं और यार आके ना अभी हमने पिजन्स को भी खोला और मुर्गियों को भी खोला। आज इनकी बारी नहीं थी, आज जो है ना उनकी बारी थी तो उनको खोल दिया, कल हम इन तीनों को खोलेंगे। यार अभी ना इन सारों को बंद कर दिया और वहाँ पे अंकल आए हुए हैं, दूध निकाल रहे हैं, वो जैसे दूध निकालेंगे उसके बाद जो है ना यहाँ का सारा काम खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हम एंड करते हैं अपना व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक इतना पहुँचती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।